नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बीच आइए जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री पद से जुड़ी कुछ रोचक और रोमांचक बातें। क्या आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में? क्या आप जानते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है? नहीं ना, कोई बात नहीं, हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की सैलरी 1,66,000 रुपए प्रति महीना है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है, 3,000 रुपए एक्सपेंसेस अलाउंस, 45,000 रुपए का संसदीय भत्ता और 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री बनने पर सिर्फ 1,66,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन हम आपको बता दें कि सैलरी के अलावा प्रधानमंत्री को बहुत सी स्पेशल सुविधाएं भी मिलती हैं। जिसमें शामिल है एक आधिकारिक सरकारी निवास, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG सुरक्षा, सरकारी वाहनों की सुविधा, विमानों की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए सरकार की ओर से किराए, ठहरने और भोजन का खर्च भी मिलता है। अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे कई सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं में सबसे अहम है 5 साल के लिए फ्री में सरकारी घर, बिजली और पानी की फ्री सुविधा, SPG सुरक्षा की भी सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसी तरह अगर अब बात भारत के राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं की करें तो भारत के राष्ट्रपति की भी कई शक्तियां हैं, क्योंकि ये काफी अहम पद है। भारत में राष्ट्रपति को हर महीने 5,00,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई टैक्स फ्री भत्ते भी मिलते हैं। दुनिया भर में ट्रेन और विमान से फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। फ्री में रहने को बड़ा सरकारी आवास मिलता है। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय खर्च के लिए सालाना 1,00,000 रुपए मिलते हैं। राष्ट्रपति के बाद आइए जानते हैं भारत में पूर्व राष्ट्रपति को क्या सुविधाएं मिलती हैं। पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत में पूर्व राष्ट्रपति को 1,05,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है, एक सरकारी घर मिलता है, 2 फ्री लैंडलाइन फोन मिलते हैं, 1 मोबाइल फोन मिलता है, 5 निजी कर्मचारियों की सुविधा भी मिलती है। मिलाकर ये कि अगर कोई भी एक बार इन पदों तक पहुंचा तो फिर उसकी पूरी लाइफ बन जाती है।